हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नई मोटर फिटिंग करने आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर उसका पूरा डायग्राम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम नई फिटिंग करते हैं। चलिए, अभी तक तो हमारी मोटर कुएं तक आकर नहीं पहुँची, उससे पहले आपको हम कुएं की पूरी लोकेशन दिखा देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कुआ जो बनाया गया है, जो लाइट है वह किस प्रकार से लगाई गई हैं, और यहाँ पर सभी चीज़ें दिखा दे। कुएं में दोस्तों करीबन 50 फीट नीचे पानी है, और यहाँ पर ये डीपी लगाए हैं, जो कि डीपी नए प्रेस डीपी यहाँ पे रखे हुए हैं, और डीपी के जो एक वायर है मेन लीड जो अंदर से निकाली गई है, इसमें बाहर से कोई भी वायर नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से खेती वगैरह यहाँ पर सरसों वरसों हो रही है। और अब चलिए, हम मोटर के पास मोटर ले आए हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम केबल को सबसे पहले केबल को ज्वाइंट करते हैं मोटर वाली को, जो कि यहाँ पर टेप कंपोज करके ज्वाइंट करते हैं। अगर दोस्तों आपको टेप कंपोज नहीं करना आता है, तो नीचे मैं लिंक आपको दे दूंगा, हमारे उस टेप कंपोज का भी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं इस पर। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास में मच्छी मोटर ओपन बेल है, जो कि हमारे 7.5 HP मच्छी मोटर है, टेक्समो कंपनी की 10 का उसका हेड है, काफ़ी पानी देती है कुएं तक, और 50 फीट 50 पाइप पर भी आसानी से पानी दे देती है, यानी कि 1000 फीट लंबी लाइन में भी आप पानी पूरा अच्छी तरह से देती है। और यहाँ पर जो मोटर के जो 3 वायर हैं यहाँ पर लगाते हैं, हमारी मोटर 3 फेस की हैं, तो यहाँ पर तीनों वायर कैसे भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में मोटर उल्टी सुलटी चलेगी तो 2 वायर को उल्टा कर देंगे। इधर हमारे पास में MCB लगी है, किटआउट लगे हैं, और यहाँ पर ऑटो भी लगा हुआ है। ऑयल वाला हमारा स्टार्टर है, जो कि मिलबोर्न कंपनी का है। और इधर की तरफ जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड की तरफ अभी वायर लगाए, तो वह मोटर के वायर, और राइट हैंड की तरफ वायर हैं लाइट के। यहाँ पर मोटर के हम पहले फ्लैंज वगैरह लगा लेंगे, जो कि सपटा वगैरह जोड़ देंगे, वह आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों सपटा जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है। तो चलिए, यहाँ से फ्लैंज को हमने टाइट कर लिया, और अब सपट्टे के पास में लेके जाएंगे इस पर। चलिए, हमारी मच्छी मोटर ऑन करते हैं और देखते हैं इतना पानी दे रही है, काफ़ी ज़्यादा पानी दे रही है। दोस्तों, हमारे कैमरे की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, इस वजह से आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, देख लीजिए।